अभी ये देखें, अभी 1 लाख ये आ गया है। और ये जो ना हमारे भाई ने हमें मदद की थी अपनी भतीजी की शादी के लिए, और हमें जो ना दिए थे। और भाई ये ले, बिस्मिल्लाह करें, आप अपने पैसे गिन लें, ठीक है। बहुत शुक्रिया आपका कि आपने उस वक्त जो है हमारी हेल्प की और हमारी शादी होने में मदद भी की। तो आप गिन लें आपके पैसे, ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी हेल्प की और हमारा साथ दिया। इंशाल्लाह जब शहजादी और ऐशा की शादी होगी तो इंशाल्लाह हम भी आपके साथ ऐसे ही तआवुन करेंगे जैसे आपने हमारे साथ किया। तो दिल से जो है आपका शुक्रिया। आप भी कुछ बोल दें। मैंने तो इनको गले लगा के बहुत इनका जो है ना शुक्रिया अदा किया। और हाँ, जो भी है अभी जो है ना, हम बड़े तो अभी नहीं रहे, तो अभी हम हैं आपस में एक जैसे भाई भी हैं, कजन भी हैं। तो ये 44 साल वाला मेरा भाई है, पहले मैं वीडियो में आपको दिखा चुका हूँ। तो इन्होंने मुझे सपोर्ट की मेरी बेटी की शादी में, मैं इनका तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। और आगे इंशाल्लाह एक दूसरे के साथ ऐसे मेलजोल का अगर चलते रहे ना, तो ये जो है ना दूरियाँ खत्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। एक दूसरे के दुख सुख में हम साथ दें, यही इंसानियत है, यही भाईचारा है। थैंक यू सो मच। हाँ चलें भाई, आपका बहुत शुक्रिया। बाकी बच्चों को, भाभी को, सबको सलाम। ठीक ठीक। और शहजादी को मेरी तरफ से बहुत बहुत प्यार और सलाम। सभी के भाई जा रहे हैं। अभी हमारा नाश्ता हो गया, तो अभी ये आया है प्यारा सा हमारा कुत्ता, बहुत ही खूबसूरत। और भी इसको अभी डाली है रोटी, तो अभी ये खा रहा है रोटी। तो हम करते हैं घर के काम। आज हमारा सुबह का बस अजान का भी व्लॉग बना अभी, और चार पाई रख दिया धूप पे। तो थोड़ी देर आज धूप निकली है, तो थोड़ी देर बैठते हैं धूप पर। तो अभी अभी जा रहे हैं हम लोग गाँव। और ये जनाब पहले ही बाहर आ गए। तो बाहर जो ना धुंध भी है और सूरज भी आज फूल निकला हुआ है, बादल तो है हल्के हल्के। अल्लाह खैर करे, यहाँ से डलवाएंगे अभी तेल बाइक में, फिर चलेंगे अपने गांव। मामू के घर भी जाना है आज। माशाल्लाह लेबर आई हुई है, कमान की छिलाई कर रही है। और ना हमारी गंदम कुछ गिर लिया, तो कल जन इसमें खाद डाल के गया ना, कल खाद डाली। तो अभी ये कह रहे हैं कि 8 दिन बाद देखना इसको, इसका रंग ही कुछ और होगा और कद भी। और ये वाली गंदम हमारी पता है क्या कमांद की वजह से रहेगी, कि यहाँ से जो है ना कमांद निकलना था ट्रॉली, किसी और जगह से रास्ता ही नहीं था। बारिश का पानी आई हुई हुई। दुआ कहाँ आई हो, इधर तो देखो क्या करने आई हो। बस्ती क्या करने आई हो तुम, बताओ क्या करने। बोर में धामन, बोर सूख गया। पापा जा रहे हैं, आ जाओ, तुम्हारे बोर है। बोर नहीं है, ये बारिश का पानी है, बोर का पानी नहीं, अभी बोर नहीं चला। क्या हुआ, दो तो माशाल्लाह ये देखे गंदम कैसी है अब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला की रहमत से अब ठीक है, फसल ठीक है। चलो माशाल्लाह, तो कल इसमें भी खाद डाली है। अभी कहाँ फार्म वाली पे खाद डल गई है, उसमें भी कल डाल दी। चलो अभी उसको भी देखते हैं। और ये वाले खेले भी निकल चुके हैं जमीन के, ये वाली मेरी कजन की, आगे वाली हमारी है, वहाँ भी खेले निकले हुए। तो वहाँ पे क्या भिंडी, प्याज, मिर्च, ग्वार, मिर्च, हरी तुरी, लौकी, धनिया, पालक सब चीजें यहाँ पे बीजनी हमने। चलो आ जाओ। अच्छा ये वहाँ से आती टर्न कर, ओए बिस्मिल्लाह आ गई अब है। चलो अब बॉल भी घर से लाई थी। और भी मैं जो है ना यहाँ से आज दिल कर रहा था कि साग तोड़ूं, मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि साग नहीं तोड़ना, लेकिन मैं साथ में कपड़ा लाई थी। मैंने कहा थोड़ा थोड़ा ना 3-4 जगह, जैसे मेरे कज़न, ये भी मेरे कज़न का है, उधर भी है कज़न आज़ाद का, तो यहाँ से ना थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लूँगी ना, हमारा साग बन जाएगा। लेकिन ये कह रहे हैं कि नहीं तोड़ना, तो देखते हैं कि है कि नहीं इधर। तो ये जगह ज़मीन है जहाँ पर हमने सब्ज़ियाँ बीजनी है। तो बस लगानी है सब्जियां, बेचना नहीं है, लगानी है। अभी क्यों नहीं लगाना, फिर खाएंगे कहाँ से हम लोग। उधर से लगाएं फिर खाएंगे, क्या करना है। उधर से नहीं लगाना। चलो ठीक है, आपके हुक्म सर आंखों पर। माशाल्लाह इसके अंदर जो ना 2 बोरी खाद डली, एक MP और एक यूरिया।
अब माशाल्लाह कुछ रौनक आ गई। इस ये तो चलो उठाएगी, वो जो जिसको अभी तक पानी नहीं लगा उसका क्या होगा? वो रास्ता नहीं था ना कमान को निकालने का, भी आबादी घूम कर आया मामू के घर। और जब से ये आई है ना, ये देखें उसी वक्त से ये झूले खेल रही है। दो चाय पीनी है, पीजिए रही हम चाय। और ये आपकी चाय, ये आपकी चाय। अच्छा। और भी ये देखें हमारा मेहमान आज जुल्दी है, सारे घर जुल्दी। हाँ दी जुल्दिया फरुक सुनिया दे जुल्दिया जी ना जुले क्यों देखो क्या दिए हम ना डिठिया दिए ना जुले सारे घर। हाँ हम ना दे घर आते भी आ दिए दादी को क्या हक दिए नल तक खेत दिए। उस दिन तो आप इसके साथ खेल रही थी, कह रही थी कि ये घर ही नहीं जाए, अब क्या हो गया? हाँ अब क्यों नहीं जाए आपके साथ? क्यों, वजह क्या है? और भी यहाँ पर जैसे आए तो मटर निकाल रहे, तो मैंने कहा मैं आपकी हेल्प कर दूंगी। देखिए मैंने मटर भी निकाल कर दे दिए। तो बस अभी जा रहे हैं फूफो के घर। फूफो के घर जैसे हैं, ये देखिए इनका बकरा और बकरी। चलो 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 चलो। और फूफो जो ना घर पर नहीं है, खाला के घर, ओ मेरी कज़न के घर गए अपनी बेटी के घर, तो अभी चलते हैं वहाँ। चलो 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 चलो। और भैया रहा हमारी कज़न का घर। लो 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 जुलो जुलो मंज मंज बहे। और इसका दिल कर के मैं इस छोटी सी चारपाई पे बैठूं, तो मैंने कहा चलो जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठो बैठो इधर ले आओ आगे। चलो चलो तो बस अभी चलते हैं घर। और भी यहाँ पर हमारे घर आ गए गेस्ट चलिस्तान से, तो फटाफट मेरे हस्बैंड ने कहा कि उनके लिए जो नाश्ता बना दें, क्योंकि वो सुबह सुबह ही आ गए थे। तो अभी जो मैंने कहा चलो फटाफट देना, अंडे ही बन सकते, सालन भी पड़ा है वो भी साथ दे देंगे, और अंडे भी दही भी मंगा ली है। तो अंडे जो है ना बहुत अच्छे लगते हैं सुबह जो है ना, लेकिन मुझे नहीं पसंद, काफ़ी लोगों को अच्छे लगते हैं, मुझे नहीं पसंद अंडे जो है ना। तो अभी मैं दिखाती हूँ हम लोग कैसे बनाते हैं। तो माशाल्लाह ये देखें मेरा अंडा रेडी होगा, क्योंकि कॉल आ गई तो मैं उसमें मसरूफ़ हो गई, अंडे की रेसिपी नहीं शेयर कर पाई। तो माशाल्लाह यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ भी और साथ में अंडा भी रेडी हो गया। तो अभी हाथ में धोती हूँ, यहाँ पर उमर जाएगा अभी खाना देने उनको। जी तो अभी जा रहे हैं एक हमारे, अस्सलाम वालेकुम। जी तो अभी जा रहे हैं हमारी फूफो और चाचों के घर, तो उन्होंने हमारी शादी में भी हेल्प की थी, तो उनको जाना उनकी रकम वापस करेगा। तो आज जो है ना पैसे देने का फिर से दिन शुरू हो गया है। यहाँ से लेते हैं फ्रूट फूफो के लिए। और ये देखिए उन्होंने कैसे सजाए हुए हैं, ये देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं। फूफो जो ना यहाँ पे रहती हैं, तो उनसे मिलते हैं। ओए होए। और भी पहुँच गए अपनी फूफो के पास, और हमारी ये चोलिस्तान वाली फूफो जो ना यहाँ पे आई हुई हैं। और इधर जो है ना मवेशी, ये देखें उन्होंने छोटा सा अपना सिस्टम बनाया है चूल्हे वगैरह का। और ये मवेशियों के लिए घास वगैरह मेरे ख्याल से, मुंगरे भी ये देखें लगे हुए हैं। और ये देखें छोटा सा इन्होंने चूल्हा वगैरह बना के ना रखा हुआ है। तो भी यहाँ पर बन रही है हमारे लिए गर्मा गर्म चाय। आपको कैसा लग रहा है यहाँ पर ना? यहाँ पर अभी जो है ना धूप निकली है, तो बहुत ही सुकून मिल रहा है। सर्दी बस 10-15 मिनट के लिए सर्दी हटती है, फिर सर्दी आ जाती है। तो मैं जैसे यहाँ पहुँचा बड़ी ठंड मुझे लगी थी, मैंने कहा भाई चाय जो है ना पहले बनाओ, मैं ठंड लगी है। और मौसम देखें कितना, और इस तरह का ना अच्छा लगता है ना जैसे बाहर बैठे हों। तो बस खुला माहौल है, खुली हवा चल रही है,
दिल को बस सुकून मिलता है, और पोपो से मिले तो बहुत दिल को अच्छा लगा। और उनकी अमानत भी अल्हम्दुलिल्लाह दे दी, अमानत उनको दे दी है, उनका शुक्रिया अदा किया, उन्होंने हमें सपोर्ट की, बहुत बहुत उनका शुक्रिया। बस यहाँ पर चाय आ गई है, तो अभी जा रहे हैं आगे फुफो के पास, और भी यहाँ पर हमारी फुफो रहती हैं, उनसे मिलते हैं, उनकी तबीयत नहीं ठीक, तो एक फुफो से वहाँ से मिलकर आए, इससे जाना मिलने हैं, उनकी अमानत थी वो लौट आई, उनसे मिले हैं, और इनके पास जाना बीमार हैं तो दुआ के लिए आए मिलने। बस अब सीधा चलना है घर, ठीक है ना। और भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कर्ज जो है ना उतर गया, सुबह जो है ना रात को हमारे कज़न इधर आए थे, उनका भी कर्ज उतर गया और फूफो का भी उतर गया, जैसे जैसे हमारी ट्रॉलियाँ कमाद की जा रही हैं वैसे वैसे कर्ज भी उतरता जा रहा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का लाख लाख शुक्र है कि हमारे ऊपर जो कर्ज था वो उतर रहा है आहिस्ता आहिस्ता। तो बस अल्लाह करे कि सबके जो है ना पैसे भी उतर जाए, हमारी आगे की फसल भी बन जाए। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग और नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। और हाँ, ये मेरे व्लॉग ऊपर नीचे जैसे मैंने आप सबसे कहा था कि हो चुके हैं, और कल से जो है ना हमारे यहाँ शादी भी स्टार्ट है, बल्कि आज से स्टार्ट है, जागा मेहंदी सब कुछ हो रहा है, मेरे कज़न की बेटे की शादी है, तो उनकी भी सेलिब्रेशन जो भी होंगी, जो भी फंक्शन होंगे, वो भी इंशाल्लाह थोड़ा बहुत हो सका तो मैं आप सबसे शेयर करूँगी। और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप सबको हमारी वीडियोस कैसी लगती हैं, और अच्छी लगती है तो हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो मिलेंगे आपसे कल एक नए व्लॉग और नई रूटीन के साथ, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त अपनी बहुत सारी दुआओं के साथ। अल्लाह हाफिज़।